सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू आर वाचिंग बाय द वे कजन्स। लेट्स स्टार्ट इट। सेल साइकिल टॉपिक हमारा बहुत इजी है, हम इसको मैट्रिक 9 में भी कर चुके हैं, इंटर में भी पढ़ चुके हैं, वापस जैसे इसका रिवीजन करते हैं। आप लोगों ने हज़ार बार पढ़ा हुआ है, ये जस्ट अ रिवीजन है और मैं आपको रिवाइज साथ साथ करा देती हूँ। सेल साइकिल क्या होता है? सेल साइकिल इज अ पीरियड फ्रॉम द एंड ऑफ वन डिवीजन ऑफ अ सेल टू द एंड ऑफ द नेक्स्ट डिवीजन, इज कॉल्ड सेल साइकिल। इट इंक्लूड्स टू फेज, ग्रोथ फेज जिसको हम इंटर फेज भी कहते हैं और एक डिवीजन फेज होता है। इंटर फेज में हमारे पास तीन फर्दर मोर फेजेस आते हैं जो कि G1 होता है, S फेज और G2 फेज होता है। G1 फेज जो है पोस्ट माइटोटिक फेज कहते हैं, जिसमें RNA और प्रोटीन्स बनते हैं। S फेज में हमारे पास DNA स्टोन्स बनते हैं और G2 फेज में हमारे पास माइटोसिस की प्रिपरेशन हो रही होती है। फिर हमारे पास डिवीजन फेज आता है जिसके अंदर हम लोग माइटोसिस एंड मियोसिस पढ़ेंगे। डिवीजन फेज होता क्या है, व्हाट इज कॉल्ड, तो हम इसको डिफाइन ये करेंगे कि एक सेल जो है वो अपने डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहा है। सही है, माइटोसिस की डेफिनेशन अगर हम पूछें तो ये होगा डिवीजन ऑफ द सोमैटिक सेल्स इन टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, इज कॉल्ड माइटोसिस। इसके अंदर जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं एज अ पेरेंट सेल, बट इन मियोसिस में हमारे पास फोर डॉटर सेल्स बन रहे होते हैं और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो रिड्यूस टू हाफ ऑफ द नंबर्स ऑफ द पेरेंट सेल्स होता है। सही, माइटोसिस और मियोसिस का फर्स्ट मेन डिफरेंस ये होता है। और अब माइटोसिस के स्टेजेस डिस्कस कर लेते हैं। माइटोसिस के स्टेजेस मैंने ऐसे याद कर रहे हैं, पी मेट, P for prophase, M for metaphase, A for anaphase और T for telophase. P met, prophase, metaphase, anaphase and telophase. अच्छा, इसके अंदर मैं आपको बता तो देती हूँ स्टेजेस, लेकिन आपको पहले से याद भी होते हैं और इतना मुश्किल नहीं होते, इसके इतने MCQs इतने मुश्किल आते नहीं हैं। प्रोफेज में कौन से स्टेजेस, कौन सी चीज़ें हो रही होती हैं, क्रोमेटिन कंडेंस हो रहा होता है जिसका मतलब होता है क्रोमोसोम्स विजिबल हो रहे होते हैं, सेंट्रोसोम सेपरेट हो रहा होता है, माइटोटिक स्पिंडल्स जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो आ जाते हैं, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। सही है, और ये वाला MCQs बहुत आता है कि मेटाफेज जो है किस कौन से फेज में, इक्वेटोरियल प्लेन पर जो है हमारे पास क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, दैट्स मेटाफेज। इसमें हमारे पास क्या हो रहा है ना, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स अपार्ट मूव कर रही होती हैं, डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द सेंट्रोमियर। टेलोफेज में वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो वापस से बन जाती है, स्पिंडल बॉडीज गायब होना शुरू हो जाती है और जो मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स है वो रुक जाती है, वो अपने रिस्पेक्टिव पोस्ट तक पहुंच चुके होते हैं क्योंकि, और जो है न्यूक्लियर डिसअपीयर हो जाता है, स्पिंडल डिसअपीयर हो जाता है। पर कैरियोकाइनेसिस होती है, साइटोकाइनेसिस होती है। कैरियोकाइनेटिस क्या होती है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, कैरियोकाइनेसिस। सही है, साइटोकाइनेसिस क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। उसके बाद मियोसिस डिस्कस कर लेते हैं। प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर मैंने बताया, न्यूक्लियर डिवीजन का, इन विच के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस टू हाफ फ्रॉम द पेरेंट सेल्स। सही है, इस कॉल्ड मियोसिस। मियोटिक डिवीजन में हमारे पास वही सारे फेजेस आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज 1, फिर वापस से रिपीट होता है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, मेटाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। प्रोफेज 1 में हमारे पास जो है वो 5 स्टेजेस आते हैं जिसको मैंने ऐसे याद किया था, जिसका नाम है लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेचाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। सो मैंने इसको ऐसा याद किया भाई, ला सुबैदा पकोड़े डिबोदे। सही है, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस में भी मुझे वो हो रहा था, तो इसमें डिप्लोटीन पहले है तो डिपो, जैसे डिबो को मैंने डिपो से कर लिया था, डिबोदे। अच्छा, इसके फेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लिप्टोटीन में हमारे पास क्रोमेटिन नेटवर्क जो है वो कंडेंस हो रहा होता है, देन जाइगोटीन में हमारे पास साइनेप्सिस बन रही होती है जिसको हम कहते हैं जाइगोनीमा। ये कैसे बन रही होती है कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे की तरह, तो दैट्स ये हो रहा होता है जाइगोटीन में। पेचाइटीन में क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है बाकायदा उन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, इसको कहते हैं चेसमेटा। और डिप्लोटीन में हमारे पास जो है चेसमेटा जो बना होता है वो सेपरेट होना शुरू हो जाता है। सही, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो जाते हैं। डाइकाइनेसिस में हमारे पास क्रोमोसोम्स सेपरेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो मतलब वो जारी रहता है। सही है, और जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट हो जाते हैं और न्यूक्लियर मेमोरी डिसअपियर्स भी होना शुरू हो चुकी होती है। सही है, पूरी डिसअपियर हो चुकी होती है बल्कि। फिर इसके बाद हमारे पास मेटाफेज, एनाफेज, वही सारी बात है, इक्वेटोरियल प्लेन पर जो है मेटाफेज 1 में क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, एनाफेज में वही बात होगी। सही है, टेलोफेज आ जाएगा, फिर माइटोटिक डिवीजन 2 हो जाएगा जो कि प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2 हो जाएगा। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी और ये हमारी सेल साइकिल कंप्लीट हो गई। इसकी पिक्चर देख लें आप लोग थोड़ी सी।
अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया ना कि पचाइटीन और डिप्लोटीन, ये सारे इसमें थोड़े से इसके एमसीक्यूज आ जाते हैं कि पचाइटीन में क्या हो रहा था है, कौन से स्टेज में चेस्माटा बनता है, कौन से फेज में जाइकोनीमा बनता है, और जो है ऐसे आते हैं, और इतने इतने ज़्यादा एमसीक्यूज इस टॉपिक से नहीं आते, क्योंकि ये हमें सिर्फ हमें पता ही होता है सब कुछ, वैसे भी रिविजन होता है जस्ट।